हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा है कि आधार में अपने मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, ऑनलाइन आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे बदलें, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को ऑनलाइन ही बदला जा सकता है। उदय ने निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसका ऑनलाइन मेथड अपनाया है। तो दोस्तों आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट करना होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ऐसी छोटी बड़ी सारी जानकारी एक एक करके बताऊंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके आप घर बैठे आधार में अपना मोबाइल नंबर मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा आधार अपडेट मोबाइल नंबर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ, ये आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, ask.uday.government.in पर जाना होगा और उसके बाद में आपको न्यू मोबाइल नंबर चाहिए तो वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद में उस पर OTP जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप ask.uday.government.in ये साइट लॉगिन करोगे तो उसके बाद में आपको नया मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, उसके बाद में कैप्चा डालना होगा और सेंड OTP करना होगा। उसके बाद में आपके मोबाइल पर 6 डिजिट में OTP आएगा, उसको सबमिट कर देना है। दोस्तों ये साइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप वहाँ से जाके क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे पहुँच जाओगे। दोस्तों उसके बाद में आप अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट आधार पे क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम और आधार नंबर डालना है और दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हो उसके बाद में आपको दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने ऐसे चैनल पे आए हो तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे इस प्रकार की ताज़ा जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसे मिलती रहेगी ऐसे वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों उसके बाद में आपको अपना नाम आधार नंबर डाल देना है और बाद में मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद में कैप्चा फिल करके सेंड OTP कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे टिक मार करके आपको सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट हैज बिन सबमिट सक्सेसफुल ऐसे बता देगा, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहाँ पे दोस्तों तीन आपको एनरोलमेंट सेंटर करने के लिए चॉइस करने के लिए तीन डिटेल है, इसमें से आपको एक चॉइस करनी है। जैसे आप सेंटर के नाम से चॉइस कर सकते हो पिन कोड के आधार पर और आप एड्रेस के आधार पर भी आप अपॉइंटमेंट चॉइस कर सकते हो। तो सेंटर के आधार पर अपन देखें तो आपको जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट वो डाल देना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट डाल के गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 10 इनरोलमेंट सेंटर आ जाएंगे आधार के, तो उसमें से आपको एक इनरोलमेंट सेंटर क्लिक करके आपको बुक कर देना है। और अगर आप बात करो पिन कोड की तो दोस्तों जैसे आप पिन कोड डालोगे और सर्च करोगे तो आपके पिन कोड वाई आधार सेंटर आ जाएगा, तो वहाँ से भी आपको बुक कर लेना है। और जैसे अगर आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये डाल के फिल करोगे तो आपके सामने इस प्रकार भी आधार सेंटर प्राप्त हो जाएगा, तो आपको वो बुक अपॉइंटमेंट कर लेना है। उसके बाद में एक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आप डेट चॉइस कर सकते हो, जैसे 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख। दोस्तों इसको आप ये अभी बंद है तो ये बता नहीं रहा है, अगर ये चालू होता है तो अवेलेबल होता है तो ग्रीन में आ जाता है, तो जैसे ये रेड में बता रहा है, डेट वाइज रेड बता रहा है, तो इसमें अभी अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। धन्यवाद।